नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरु। आप देख रहे हैं गुरुराज प्रा चैनल को। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें लक्ष्मी बम या गणेश बम जैसे पटाखे लेने चाहिए या नहीं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी दिवाली का समय चल रहा है, तो अभी के टाइम में ऐसे कई लोग हैं जो भगवान के नाम पर पटाखे बनाते हैं और उसमें उनके फोटो चिपकाते हैं। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि उनमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इसे अच्छी तरीके से दिखाने की ट्राई करते हैं, ये कहकर कि भगवान भी बोल सकते हैं। मतलब वो ये कहते हैं कि लक्ष्मी बम को फोड़ने से आपके घर में लक्ष्मी आएगी। हम सब लोग जानते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर हमें पैसे कमाने हैं तो उसके लिए जो ज़रूरी काम है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर आपको पैसे कमाने में हेल्प चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वेल्थ फाइल्स की लिंक दी है, आप वीडियो के एंड में वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो हमें इस दिवाली पटाखे लेने से पहले देख लेना है कि उसमें कहीं भगवान का फोटो तो नहीं है। और तो और, मैंने आर्टिकल में ये भी पढ़ा था कि इंडिया की गवर्नमेंट ने एक ऐसा कंप्लेंट नंबर भी दिया है जिसमें अगर आपको ऐसे पटाखों की दुकान मिले तो आप उस नंबर पर कंप्लेंट भी कर सकते हैं। इन इमेजेस में आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी के नाम पर और फोटो के साथ पटाखे हैं। ये इमेजेस मैंने आपको इसलिए दिखाई ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा आए कि आपको कैसे पटाखे नहीं लेने। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा सोशल अवेयरनेस के ऊपर एक वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया जानने ज़रूर मिला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं एक और ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, शब खैर।